कॉलेज से ही उठता है और हमारे समाज से ही उठता है। काफ़ी हमारे रिलेटिव भी हैं, काफ़ी दोस्त हैं जिनके बच्चे ड्रग्स के चक्कर में काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, दब चुके हैं रास्ते से। वहीं से मुद्दा उठा और हमने डिसाइड किया कि अगर फिल्म बनानी है तो कुछ ना कुछ समाज को मैसेज दें, बस यही था। थैंक यू विशन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? काफ़ी सारे कलाकार हैं जो नामी हैं, किरण कुमार जी हैं, मुश्ताक खान जी हैं, कैसा काम का अनुभव था, डायरेक्शन के दौरान किसमें का अनुभव था? उसका काम काफ़ी अच्छा था, सब लोगों ने काफ़ी मेहनत करी, उसके बाद फिल्म बन के अच्छी है आपको समझ आ रहा है, सर की मेहनत है, लेकिन सब लोगों ने टीम में मिल के काम किया फिल्म के लिए, काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है, आप सब लोग देखें। क्या कहना चाहेंगे फिल्म में जो गाने काफ़ी मधुर है, आपने अपनी आवाज़ से उसको निखा रहा है, क्या कहना चाहेंगे कैसा अनुभव था शाम जी के साथ गाना है, किस तरह का अनुभव था के लिए? तो बहुत बड़ा मौका था, मैंने ऐसे इंसान के साथ अपना डेब्यू किया जिसको मैं आइडियलाइज करती हूँ और सारे सिंगर्स आइडियलाइज करते हैं, सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद शान सर एंड हैविंग संग सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। और अबाउट द फिल्म, इट्स हार्ड वर्क, इट्स एवरीबडीज एफर्ट्स जो दिख रहा है स्क्रीन पे, एंड हम हर फिल्म से कुछ सीखते हैं, हम हर काम से कुछ सीखते हैं, हम पहली बार करते हैं काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, दूसरी बार करते हैं तो कम मिस्टेक्स करते हैं, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं एंड आई विश कि हम ऐसे ही यू नो वी वी ग्रो टुगेदर। सर ये ड्रग्स साइंस में आया जो आपके सामने आया जी, सामने आया है, काफ़ी सामने आया है और भी सब्जेक्ट्स है मेरे पास इस तरह के, बट ड्रग्स को लेके जब हमने फिल्म बनाने के लिए सोची, मैंने और हमने सोचा तो हमने डिसाइड किया कि हम इसी टॉपिक पे बनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी कुछ चीज़ें गुजरी है, हमारे दोस्तों के साथ गुजरा है, हमारे समाज में रोज़ हम आए दिन पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने बनाया। इसके अलावा एक और मूवी जो आपने प्रोड्यूस की, मूवी शो बहुत फेमस में धूम मचा रही है, क्या कहेंगे उस फिल्म के बारे में कि वो आपका कितना टर्निंग पॉइंट होगा आपके हिसाब से? नहीं देखिए, मेरे लिए लव इन कॉलेज जो पहला बच्चा होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, लव इन कॉलेज से बहुत सारे एक्सपीरियंस हमने सीखा है, लव इन कॉलेज की टीम बड़ी खूबसूरत है, हमारे विशन बहुत, ये बहुत कम बात करता है बट बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। मूसो एक ऑफबीट फिल्म है, मूसो एक अलग एक इंग्लिश नॉवल है, उसके ऊपर बनी हुई फिल्म है और अच्छी बन गई और लोगों ने अवार्ड्स काफ़ी दिए, अभी भी 8-10 अवार्ड्स और मिलना है मुझे, इतना कॉन्फिडेंस है। हमें लॉस एंजलिस से मिला, लंदन से मिला, दिल्ली डायरोमो में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी मुझे सिलेक्शन हुआ है, तो बड़ी खूबसूरत फिल्म है, वो एक अलग फिल्म है, ये गलत, दोनों डिफरेंस फिल्म है। फिर भी क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में एक लास्ट फिल्म बनाने के लिए, तो प्रोड्यूसर के तौर पर क्या समझते हैं, कितना चैलेंज, कितना रिस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है? देखिए आपको अगर टीम अच्छी मिल गई तो बहुत ही आसान है, मुझे दोनों फिल्मों में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मेरी टीम बहुत अच्छी थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रोड्यूसर को तकलीफ तब होती है जब अननेसेसरली हर फील्ड में आप ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आगे भी नहीं हुआ, मेरे अगर हम अच्छे हैं तो सारा टीम अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा टीवी शो में भी अपने हाथ आजमाया, उसके अलावा बताइए कि और क्या करने वाले हैं? टीवी शो में मैंने सुधा चंद्रन जी को, दर्पण श्रीवास्तव जी को और काफ़ी आर्टिस्ट हैं उनको लेके मैंने एक बेटियों के ऊपर मैंने एक सीरियल बनाया है जो अभी तक सबमिट है, जितने सेक्शन होगा तो शुरू करेंगे। अच्छा, और जो स्टोरी लाइन है और जो सब्जेक्ट इस पे आप बनाना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट का? जी जी जी, एक 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 है वो, लेकिन मैं मूसो और लविन कॉलेज के बाद सोचूँ इसके बारे में, आप लोगों को बुलाऊंगा। तो पहले मैं उनको सर समझता हूँ, फिर मेरे म्यूजिक मैं से म्यूजिक भी सीखता हूँ थोड़ा बहुत, तो अभी मैंने बड़ा भाई की तरह ही मानता हूँ, तो इज़ वेरी नाइस टू मी एक्चुअली विथ एवरी वन, जो भी इनके करीब आता है ना बस इनका ही हो जाता है, तो हाँ आई विल ऑलवेज वेरी थैंकफुल फॉर इन दैट ही इज गिविन मी द फर्स्ट चांस इन लव इन कॉलेज, तो आई एम डूइंग लीड, तो इट्स रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी एक्चुअली। सब कुछ मतलब है, रोमांस है, कॉमेडी है, एक्शन, एक्शन काफ़ी बेहतर एक्शन करें, बताइए किस तरह से एक्शन करने में आपको चुनौतियाँ? एक्शन करने में ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं मिली क्योंकि एक्शन मास्टर सर ने बहुत ही बड़ा एक्शन नेपाल से मंगाया था, नेपाल से, और यू नो एब्रॉड में भी जाते रहते तो एक्शन करते रहते, तो उन्होंने पूरी का पूरा केबल था, इट्स ऑल केबल स्टंट है, तो ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक दो घंटे में मैंने लर्न करके सीख लिया, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। और जो फिल्म का मुद्दा जो है ड्रग्स के इशूज़ है, तो वो क्या कहते हैं कितना ज़रूरी है इस तरह के इशूज़ को शोकेस करना ताकि लोग समझें कि हाँ क्या नुकसान हो सकता है अगर आप किसी गलत आदत में जाते हैं, तो खासकर स्टूडेंट्स की बात करें तो? इस बारे में बोलूँगा कि सर को मैं बहुत ही थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, लोग ये बोलते हैं फिल्मों में जो
ज़्यादा चलता है वही चला दो, वो दिखा दो, ऐसे सीन दिखा दो वैसे सीन। सर स्ट्रिक्टली बोला था कि ये फिल्म फैमिली के लिए होनी चाहिए, और दूसरा था कि इसमें कुछ मैसेज होना चाहिए, जो मैसेज जिससे बच्चे उन्हें बच्चों को मिले। और मैंने जैसे आपको अंदर भी बोला कि कल ही मैंने देखा कि एक फ्रेंड मेरा यू नो सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ दिस, ही वॉज इन अ वेरी हाई ऑन नो ड्रग स्टेज एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि अगर वो पहले वो फिल्म ये देख लेता या फिर देख लेता तो शायद वो बच जाता, मुझे ऐसा लगता है। इट्स वेरी गुड यू नो इन्फॉर्मेशन इन दिस फिल्म दैट यू नो द न्यू कमर शुड नॉट टेक एनी टाइप ऑफ ड्रग्स एंड एनी यू नो एनी थिंग विच इज यू नो मेक्स मी मेक्स देम हाई एक्चुअली। सो दैट इज द मैसेज। मैंने प्रोजेक्ट किया था विथ फ्रेशली ग्राउंड एंटरटेनमेंट सुर से शाइन तक पलक मुछल के साथ, पलक मुछल वॉज माई मेंटर थे, और वो रिलीज भी हो गया ऑन एयर आया है ऑनलाइन XM एंड यू कैन स्टिल फाइंड इट, फाइंड द होल वीडियो ऑन यूट्यूब। तो वो चल रहा है एंड सो मेनी अदर प्रोजेक्ट्स with the newly OTT platforms like MX Player, तो उसमें भी you know I am there as a singer, so it will be releasing soon. मॉल ले आना है। कहूँगा कि उन बच्चों को देखा जितने अच्छे तरीके से इन्होंने किया था, कहानी जैसा प्रयोग तो उनके चेहरे मास्क में चेहरे पर करके भेजे तो वैसा ही जो दिल खुश हो। आज की जनरेशन को क्या चाहिए तो वो बहुत ज़रूरी था, तो उसके हिसाब से मैंने कहानी के हिसाब से लिरिक्स पे लिखे, फिर उसे कंपोज किया, फिर मैंने देखा कि इसमें मैंने ज़िद किया इस फिल्म की सबसे बड़ी कि मैंने प्रोड्यूसर से ज़िद किया जो मेरे दोस्त हैं कि ये गाना शान साहब से ही करना है, क्योंकि बोले नए उनके तीन बच्चों का भी कैरियर थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और क्योंकि म्यूज़िक जो कहती है बनने के बाद पता चलता है कि उसकी क्वालिटी कितनी, तो उसके हिसाब से मैंने शान से करवाया कि इन बच्चों का भी करियर अच्छा लगेगा, और उन्होंने बहुत दिल से गाया उसे, और मुझे विश्वास है कि फिल्म इतनी अच्छी बन गई, म्यूज़िक भी अच्छा बन गया, कहानी भी अच्छी है। इसके डायरेक्टर विशन भाई ने भी बहुत अच्छा किया, कोरियोग्राफर साहब ने बहुत अच्छा कोरियोग्राफी किया जो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता है कि इसके ज़रिए लोगों को अच्छा लगे कि म्यूज़िक के ज़रिए लोग कम से कम दिल के गली म्यूजिक सुनकर ही लोग फिर थिएटर तक चले जाएंगे। और आप लोग का आशीर्वाद रहा, आप लोग सब मीडिया वाले भी सपोर्ट करिए, यही मेरी ख्वाहिश है। सर आपने क्या कैसा अनुभव था डांस कोरियोग्राफी का इस फिल्म में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आई थैंक्स टू विशन सर जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, और विनोद कुमार जी जो इस मूवीज़ के प्रोड्यूसर हैं, और राजेश सर जो मेरे हाथ में बैठे हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और सपन जी जो लीड आर्टिस्ट कर रहे हैं, और हमारी जो कोर टीम है जो बहुत अच्छी बढ़िया टीम है, बहुत कम टाइम में ऐसा काम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विनोद सर ने जो मुझे ब्रेक दिया, क्योंकि आज की डेट में टैलेंट सबके पास है लेकिन ब्रेक नहीं मिलता है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेरी वेरी थैंक्स टू विशन सर जो इतना बड़ा ब्रेक मुझे दिया, जो आपके मीडिया के थ्रू शायद से हो सके आज नहीं तो कल मैं किसी और मुकाम पे पहुंच जाऊं। और सेकंड थिंग इस मूवी के जो गाने थे इज़ वेरी फंटास्टिक, इसमें लव रोमांस एक्शन एंड धमाका, एंड मैं चाहता हूँ कि आप थिएटर में जाकर इस पर्सन देखें और हमें इस मूवी के जरिए कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच कॉलेज, और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था इनके साथ काम करने का कि मतलब कंफर्टेबल इतना था कि ऐसा लग रहा था कि मेरी फर्स्ट मूवी है ही नहीं, मतलब कि इन्होंने मतलब हर चीज़ को लेके मतलब बड़े कैरेक्टर से या फिर हमारे जो कंपैरेटिवली मैं जिनसे छोटी हूँ या बड़ी हूँ उनकी कैरेक्टर वाइज उनसे मतलब लेवल ही लग रहा था, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लीड नहीं है पैरल लीड है या कुछ भी, मतलब प्रोड्यूसर इतने डाउन टू अर्थ, डायरेक्टर इतने डाउन टू अर्थ, और फुल ऑन मस्ती ऑन सेट था, मतलब बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल था कि लगा नहीं कि कब फिल्म शुरू हुई तब खत्म हो गई। सर मैं मूवी के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि मूवी जो है वो एक बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है, और आज की यूथ को एनकरेज करती है, आज की यूथ को भटकने से बचाती है, और सबसे बढ़िया इस बात मूवी की ये बात रही कि हमने एज अ फैमिली सब लोगों ने काम किया, और मजे में हम एक अच्छी चीज़ बना के ले आए हैं, वो आज रिलीज हो रही है। उससे ज़्यादा बड़ी खुशी क्या है कि सारे को एक्टर्स अपने और इतने सपोर्टिव, प्लस हमारे जो विनोद सर हैं वो कमाल के थे, और जो प्रोड्यूसर सर हैं डायरेक्टर विशन सर की भी मैं तारीफ करूँगा, जो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, एवरी टाइम जैसे मैं बोल चुका हूँ तो नीचे लेट जाते थे जमीन पर कैमरा चलाते वक्त, एज ए ड्यूटी एंड एज ए डायरेक्टर ये बहुत बड़े हौसले की बात है कि आप उस लेवल पे हो के एक लेवल पे होके और फिर ज़मीन पे बिना चादर के एकदम नीचे लेट जाते थे, बिकॉज दिस इज़ द डेडिकेशन अबाउट वर्क। अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो फिर ऐसे बड़े निकल के आते हैं, सो ये बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था,
और एक शब्द में कहूँ तो इट्स वाओ वाओ सीरियसली वाओ थैंक यू अंचल तिवारी और ये फिल्म करके मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि हमारी पहली मूवी है जो रिलीज़ हो रही है और पहली मूवी रिलीज़ होना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मूवीज़ तो करते हैं बट रिलीज़ बहुत कम होती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और हम सबके लिए हम ऑलमोस्ट सब हम लोग नए थे इसमें हमें बहुत कुछ सीखने मिला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ऊपर से हमारी जो टीम है एक फैमिली टीम है तो हम सब में मतलब काम करके बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत बड़ी बात है कि रिलीज़ हो रही है और मेरी पहली मूवी है जब मैं मुंबई आया था तब मुझे ये मूवी मिली बहुत अच्छा लगा मुझे उसमें काम करते हैं प्रोड्यूसर साहब बहुत अच्छे हैं डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है और सारे आर्टिस्ट वगैरह बहुत अच्छे हैं मुझे बहुत अच्छे काम करते हैं और आगे भी मैं अच्छा काम करता रहूँगा और मूवी आप सब देखे जाकर बहुत अच्छी लगेगी कॉलेज के ऊपर है यूनिवर्सिटी के ऊपर है आप सब जाकर देखें आपको इन्जॉय होगा काफ़ी अच्छा लगेगा बहुत अच्छा बहुत सकता है जैसा कि अंकित भाई ने और काजल जी ने बताया कि हर आर्टिस्ट की पहली इच्छा होती है कि वो काम करे और काम करे तो उसकी फिल्म स्क्रीन पे आए अपने आप स्क्रीन पे देखे और इससे बड़ी खुशी की बात होती है कि वो रिलीज़ हो रही है और वो नासिब हो पाया है बहुत सारे लोगों की वजह से हमारे प्रोड्यूसर की वजह से डायरेक्टर की वजह से और ये फिल्म करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला ये मेरी पहली फीचर फिल्म है बेसिकली शायद सभी की पहली है हम सब बिगिनर है पर बहुत ही खुशी से इस काम को किए और बस ये उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी सुपर सुपर हिट हो और 18 अक्टूबर को ये मूवी रिलीज हो रही है तो सब लोग जाएं और देखें बहुत मजा आएगा सब कुछ है इस फिल्म में सब मसाला है और खासकर ये फिल्म हम जैसे युवाओं के लिए बनी है हम जैसे लोगों के लिए बनी है क्योंकि ये ड्रग्स एडिक्ट के ऊपर है कि आपको कैसे लोग हमारी जैसी जनरेशन मतलब एडिक्ट हो जाते हैं उसकी बेस पे बनाया है सबको देखना चाहिए और मैसेज देना चाहिए सब कुछ सब चाहिए देखने चेहरा अभिषेक के नेगेटिव नेगेटिव मूड है जो हम लोग का सॉन्ग है अच्छा क्लाइमेट है जाते हैं डांस वगैरह सबसे पहले तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स तो हमारा कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा बहुत हाई था उस वक्त जब हम रिकॉर्ड करे थे और इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस कि मैं पहली बार मैंने स्पर्श के साथ गाया वो भी ऑन स्टेज नहीं गाया डायरेक्टली रिकॉर्डिंग किया तो वापस बोलूँ